तो क्या हाल चाल है भाई सबके। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मैरिट की नहीं इरफान चौधरी की वीडियो में। अक्सर क्या है, मैं ज़्यादा व्लॉग चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि माई कंट्री, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कि माई कंट्री मैरिट की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक जगह शूट करने के लिए आया हुआ था और मुझे बहुत ही बेहतरीन कार दिखी, तो मैंने सोचा इसको पूरे अच्छे तरीके से ना अपने व्लॉग चैनल पर दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ रोज़ नहीं मिलती सेकेंड हैंड मार्केट में। तो आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हिंदुस्तान मोटर्स की अम्बेसडर। अब ये सेल पे अवेलेबल है, यानी ये गाड़ी बिका हुआ है। क्या प्राइस है वो मैं एंड में आपको बताऊँगा, बाकी मैं बताता हूँ ये 2009 मॉडल कार है और गाड़ी की कंडीशन जो है वो आप देख लो। खैर इसकी जो कंडीशन है वो अब 2009 के हिसाब से तो जैसी है वैसी होगी, बट इसके अंदर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है जो कस्टमर ने करा रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्लॉग चैनल पे अच्छे तरीके से इस गाड़ी को एक्सप्लेन करके दिखाया जाए, क्योंकि ये गाड़ी है VIP की पहली पसंद, या यूँ कहूँ कि हुआ करती थी, क्योंकि 90s में या 2000 में जब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर यही गाड़ी थी जो VIPs की पहली पसंद हुआ करती थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी दिखती कैसी है और क्या क्या फ़ीचर आते हैं, क्योंकि फ़ीचर के नाम पे इसमें क्या क्या चीज़ है वो तो आज मैं खुद देखूँगा, क्योंकि पहली बार पर्सनली मैं अम्बेसडर को रिव्यू करूँगा, या मैं अभी ड्राइव भी जैसे मैं लेके आया हूँ तो पहली बार मैंने भी इसकी ड्राइव लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है कार। तो ये देख लो जी, तो ये है जी हिंदुस्तान मोटर्स की अम्बेसडर जो कि सेल पर अवेलेबल है, जिसका मैं शूट कर रहा था आज। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। अगर फ्रंट से आप देखोगे ना तो ये गाड़ी, मतलब इसकी प्रोफाइल ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपका इसका हुड भी देखोगे ना तो आपको इधर यहाँ पे कुछ कर्व दिखेगा, इधर भी कर्व दिखेगा, बीच में हिंदुस्तान मोटर की बैजिंग आपको दिखेगी। तो ये ग्रिल दे आप देखते हो, इसके अंदर आफ्टर मार्केट हेडलैम्प भी लगा रखे हैं जो कि आप ये देख ही सकते हो। उसके बाद ये झंडा तो होना ज़रूरी था इसमें। इसके अंदर व्हील कैप है, अलॉय व्हील्स यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार। अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। मैंने पंजाब में एक गाड़ी देखी थी अम्बेसडर जिसमें उन्होंने लगवा रखे थे अलॉय व्हील्स, हालांकि इसके अंदर नहीं लगे हुए। बॉडी लाइन आप देख सकते हो गाड़ी की कैसी है, गाड़ी के अंदर पर्दे लगे हुए हैं। पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देख लो आप, पीछे से कुछ इस तरीके से है ये कार। गाड़ी की जो चाबी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा लग, मेरे को तो ऐसा लगा कि बाइक की चाबी आ गई मेरे हाथ में। तो ये है इसकी की, और ये हैं इसके टेल लैंप्स जो कि आप देख ही सकते हैं। देन इसका जो बूट है वो एक बार ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये है भाई कुछ इसका बूट, जो कि इस टाइम अच्छी हालत में तो नहीं दिख रहा मुझे, बाकी बहुत ज़्यादा हैवी है भाई इसका जो बूट है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हैवी है। अब ये उस ज़माने की कार है, जिस ज़माने में इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो उस लिहाज से तो ठीक ही है। तो ये रहा इसका फ्यूल का, जो फ्यूल इसमें भरा जाता है वो इधर से भरा जाता है। और पीछे से जो कंडीशन है वो देख लो, डोर हैंडल्स। अब इंटीरियर बड़ा शानदार है इसका ना, अगर आप इंटीरियर का कलर देखोगे तो, ये तो मैंने भी अपनी गाड़ी में ऐसा नहीं करा रखा। बाकी आप देख लो इसकी छत, देख लो कैसी है इसकी छत, बिल्कुल ऑल कस्टमाइज इंटीरियर, ठीक है। देन पीछे की सीट्स देख लो, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं। मैं अगर बैठूँ ना इन सीटों पे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं बैठने के बाद काफ़ी गद्देदार सीट लगती हैं। और ये है इस गाड़ी का डैशबोर्ड, देन स्टेयरिंग भी इसका रैप है। इसके अंदर JVC का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, पावर विंडो हैं इसके अंदर, देन मैनुअल गियर नॉब आपको यहाँ मिल जाती है, देन एक क्लॉक मिल जाती है इधर, और सेफ्टी के लिहाज से भी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब बात करते हैं आगे वाली सीट से, मैं आपको दिखाऊं इसको। तो आगे वाली सीट से आप देखेंगे तो ये देख लीजिए कुछ ऐसी है जी, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मीटर आप देख लीजिए, देन सीट आप देख लीजिए, और ये है जी बिल्कुल पतले से इसके डोर जिसमें कर्टन लगे हुए हैं। स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊं इस गाड़ी को, तो अभी आप देखना स्टार्ट करके। तो अभी मैं करता हूँ इसे स्टार्ट, तो ये चाबी लगाई मैंने, ठीक है, और देन ये होगी जी स्टार्ट। अब आवाज़ सुन लो आप, ठीक है, ये स्टीरियो है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये विंडो डाउन जा रही है, ये अप जा रही है, ये डाउन जा, ये डाउन चलेगी विंडो, ये अप चलेगी। तो ये है इसके पावर विंडो के यहाँ पे कंट्रोल, देन हैंड ब्रेक है इधर, और चला के थोड़ी सी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देख लो, ये गियर लगाया मैंने, ठीक है, ये चला रहा हूँ मैं इस टाइम,
ये देखो ये चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है ये चलाई जा रही है गाड़ी भाई। सही मतलब 2009 मॉडल कार है और मैंने पहली बार अम्बेसडर चलाई है और मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हालांकि गर्मी तो लग रही है, अभी इसके अंदर एसी नहीं चल रहा। बाकी रिवर्स करते हैं इसे, तो रिवर्स गियर भी ऑल वर्किंग। चलो 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 चलो, रिवर्स पार्किंग कैमरा तो नहीं है इसके अंदर, ना ही इसके अंदर और कुछ है। तो भाई ले रहे हैं फिर फील अम्बेसडर का, चला के देख रहे हैं और ये चलाई भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है अम्बेसडर को चलाने में ना। ये देखो स्टेयरिंग है अपने हाथ में, काफी मतलब फन है इस गाड़ी को चलाना। देखो हेड टर्नर तो है ही, क्योंकि अम्बेसडर रोड पे आपको रोज रोज तो दिखती नहीं है, कभी कभी ही दिखती है। तो आज मेरे को मौका मिला तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया इसको देख के, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक व्लॉग बनाया जाए। और अब माई कंट्री मार्केट पे कुछ एक्सक्लूसिव गाड़ी अगर आया करेगी ना, कोई मतलब हट के चीज आया करेगी, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए इरफान चौधरी चैनल पे जरूर दिखाऊंगा। तो अभी सेकंड गियर लेते हैं, सेकंड गियर मांग रही है, ओके सेकंड गियर आ गया और मजा ही अलग है इसको चलाने का ना दोस्तों। क्या मजा आ रहा है भाई, क्या मतलब बढ़िया चल रही है। अभी किससे पूछ भी लेता हूँ, भैया ये गाड़ी कैसी लग रही है आपको? सही लग रही है ये, आपने देखी है? ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल है। पता है आपको नाम क्या है इस गाड़ी का? अम्बेसडर। अच्छी लग रही है ना, देखा तो मैंने कहा था ना कि भाई बढ़िया लग रही है ना। तो ये देख लो आप, इसकी मैंने हेडलैम्प्स भी ऑन कर दिए हैं, जो कि जलने के बाद कैसी लग रही है ये भी आप देख ही सकते हो। चलो भाई अक्षय इज ऑल्सो टेकिंग ड्राइव। ओके ओके ओके, वीआईपी वाली फील आ रही है। अक्षय इज ऑल्सो टेकिंग, चलो जी देखते हैं कैसे चला पाता। सबसे ज्यादा तो मुझे फील आ रही है वीआईपी की ना, बिकॉज आई एम सिटिंग बिहाइंड, क्योंकि ये बिहाइंड वाली है। लेकिन यार ये अक्षय थोड़ा सा केयर करके, लोग तुझे लिटरली कहीं मंत्री ना समझ ले कोई, आराम से। और अक्षय 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 दिस इज नॉट V10, ये रुकेगी नहीं भाई। लेकिन मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। देखो देखो ये कैसे देख रहे हैं, देखो बच्चे देखो क्या देख रहे हैं। अच्छा ये पूरा लोहा है ना? पूरा लोहा, ऑल मेटल ग्राउंडेड कार। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यार कमाल है यार। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम पर तो ये लग्जरी होती थी लोगों के लिए। अरे हम लद्दाख जा रहे हैं क्या, तू ऐसे सोच रहा है? चलो आपको इंजन भी दिखा देता हूँ हिंदुस्तान मोटर्स का ना, एक बार खोल देता हूँ कि ये देखो। तो ये जिसका इंजन, और ये देखो इसकी ये चीज बड़ी अच्छी लगी। अब देखो बोनेट ऊपर जब हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चढ़ गया। अगर मुझे बोनेट को क्लोज करना है तो इसको आप थोड़ा सा आगे करेंगे, जैसे इसको भी आगे करते हैं तो ये देख लो ऐसे इंजन। अब इसको इसको इसके ऊपर रख देंगे, बस ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो भाई ये भी मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो कि इस गाड़ी के बारे में थी। भाई ये गाड़ी है हिंदुस्तान मोटर्स की अम्बेसडर, और ये अवेलेबल है पूरी मोटर्स एंड कंपनी जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। और ये गाड़ी है 2009 मॉडल, और इस गाड़ी की जो कीमत है, देखो कीमत तो इस गाड़ी की अनमोल होती है। कुछ कार कलेक्टर होते हैं जो भी ऐसी गाड़ी को रखना चाहेंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट पूरी मोटर्स एंड कंपनी। बाकी मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक रुकेगी। इसका जो प्राइस है वो है 1,65,000 रुपये, 1,65,000 की 2009 मॉडल की अम्बेसडर हिंदुस्तान मोटर्स की। तो आप चाहें तो इसे अपना बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने तो एज ए फन वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए। और ऐसी वीडियो मैं आप इस चैनल पे बनाता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि इरफान भाई इस चैनल पे भी आप वीडियो डाला करें, हम लोग वेट करते रहते हैं। तो भाई हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना रखा है माई कंट्री मार्केट को लेकर कि टाइम ही नहीं मिल पाता। बट जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कलेक्टिव कार तो आपके लिए इस चैनल पर लेके आता रहूँ। तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो लगते नहीं है भाई। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो इससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और ऐसी वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि जितनी जल्दी इस चैनल पे 1,00,000 फॉलोवर होंगे उतनी जल्दी मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा इस चैनल पर एक्टिव रहने का। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।